आप सोचते हैं कि यहाँ से एक मौसम शुरू होकर यहाँ पर आएंगे तो इस पॉइंट पर आपको जब एंड हो गया तो सब तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो जीरो हो गया क्योंकि उसने हिट कर लिया। इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर देखा जाए तो वर्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम है और अंदर घर बेटा चला जा रहा है। इस पॉइंट पर आकर मैक्सिमम नंबर से उसके बाद ये कम होता होता जमीन पर आकर हिट करता है तो जब बिल्कुल ही वाइब जो है वो जीरो हो जाता है उस वक्त का टाइम जो है वो नोट करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब जो वाई कंपोनेंट है वो हमारा जीरो हो गया तो इस तरह से मेरे पास जो रिलेशनशिप आया वो कुछ इस तरह से बन गया कि यहाँ पर वाई था उसके बाद हमारे पास जो था वी आई साइन थीटा देन हमारे पास माइनस हो गया था यहाँ पर टू जी टी स्क्वायर 1/2gt2 इस तरह से हमारे पास रिलेशनशिप था। अब y चूंकि जीरो हो गया है यहाँ पर वी आई साइन थीटा और साथ t भी आ चुका था यहाँ पर t माइनस 1/2gt2 प्लस का साइन माइनस में इसलिए बदल गया क्योंकि माइनस g था और यहाँ पर प्लस 1/2 था तो इस प्लस ने इसी का मल्टीप्लाई होने के बाद इसी रिलेशनशिप में माइनस का इजाफा कर दिया और प्लस को जो है वो रिमूव कर दिया। अब अगर मैं इस तरह से करूँ कि मैं दोनों ही कोई दोनों चीज़ों में से t को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर वी आई साइन थीटा माइनस 1/2gt आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीरो है और t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर t को यहाँ जाके डिवाइड कर दूँ तो वो जीरो हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास वी आई साइन थीटा माइनस 1/2 जी और टी रह जाएगा यानी कि हमारा रिलेशनशिप काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पर जी वी आई साइन थीटा माइनस 1/2 और जी टी। इसके बाद अगर मैं ये माइनस वाली साइड को इस तरफ ले आऊँ तो यहाँ पर आकर ये 1/2 जी टी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ वी आई साइन थीटा। तो इस तरीके से जो साइन के लिए जो टाइम के लिए रिलेशनशिप निकलता है वो ये आएगा जो कि है टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी यानी इस इक्वेशन से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे एक एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाऊं तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइम के लिए रिलेशनशिप निकला वी आई साइन थीटा ओवर जी टू। लेट्स सपोज कि आप फर्स्ट कर लीजिए कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 m/s है, थीटा आपका 90 है और जी की वैल्यू आपकी 10 m/s स्क्वायर है। तो जब ये चीजें आप इस रिलेशनशिप में लगाएंगे तो 2 एज इट इज ही वी आई आपके पास 2 है और साइन थीटा मीन साइन 90 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 1 दे देता है। साइन थीटा जो है मीन थीटा 90 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 90 मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा जबकि 90 बहुत रेयर केस में आता है, बहुत कम केस में आता है। 90 का मतलब ये इस तरह से आपने प्रोजेक्टाइल ऊपर फेंका और हो सकता है ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा सा इस तरह से कर्व होकर आ जाए तो प्रोजेक्टाइल तो सब भी बन गया। लेकिन अमूमन इस तरह से होता है कि आप किसी ना किसी एक एंगल पे फेंकते हैं, कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं 90, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 90 की जगह 60 एंगल रखूँ तो अगर मैं यहाँ 90 की जगह 60 कर दूँ तो जो साइन 60 है वो 0.866 समथिंग आता है डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह से हमारे पास जो टाइम निकलेगा वो तकरीबन 0.346 सेकेंड आएगा, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके कोई भी एंगल इस्तेमाल करके 90, 60, 45, 30 जो भी एंगल आपको गिवन होगा, जो भी एंगल आपको दिया जाएगा तो उस एंगल के थ्रू इनिशियल वेलोसिटी को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो टाइम के लिए रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपकी बॉडी ने कितना वक्त लिया, उसे कितना वक्त दरकार हुआ अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से आपको वेलोसिटी के पैरामीटर के बारे में भी पता चल गया कि वेलोसिटी किस तरह से मालूम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट अटेन करना सीखी कि वो किस तरह से हम लोग मालूम करेंगे। देन हम लोगों ने टाइम मालूम करना सीखा कि टाइम किस तरह से मालूम करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए 3 चीज़ों का मालूम करना हम लोगों ने सीख लिया। तो होप्स आपको काफ़ी हद तक टाइम के बारे में समझ आ चुका होगा।